Dan Islam. So first of all, we have discussed the graphical analysis of equations of motion. पिछले दो क्लिप्स मैंने बनाए हैं बच्चों आप लोगों के लिए, वो जस्ट ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड टाइम ग्राफ। तो आज हम ना इनको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रोसीड करने के लिए बेटा सबसे पहले ग्राफ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द टू वेरिएबल्स स्पीड एंड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ हो गया बेटा हमारे पास। तो हमने इसको इस तरह ड्रा किया कि बॉडी मूव कर रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई टुवर्ड फाइनल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी है हमारे पास ये एक्सेलरेशन है, स्लोप एक्सेलरेशन की आ गई। इन जनरल ट्रिक के तौर पे याद करना है तो आप ये भी कह सकते हैं सम ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। सम ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल जो है हमने दो इक्वेशन दो जो है फिगर्स ड्रा की हैं रेक्टेंगल की और ट्राइंगल। इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसको मैंने नाम दिया। तो हम शुरू करते हैं सपोज अ स्लोप ए। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं उसके अंदर हमने देखना है स्लोप ए बी जो है ए टू बी किसके इक्वल है बेटा ए के इक्वल है इज इक्वल टू स्लोप ए जो है ए टू बी किसके इक्वल है ए के। और हमें एक और चीज़ अपने माइंड में याद रखनी है कि स्लोप का एक फार्मूला होता है। स्लोप का फार्मूला ये होता है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। इन जनरल अगर आप इसको लिखें तो हमारे पास देखें ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो बेटा इन जनरल अगर आप इसके अंदर देखें इसको तो हमारे पास जो वाई एक्सिस पे देखें क्या आ रहा है बी टू सी, क्योंकि हमें पता है इस साइड पे तो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इस साइड पे तो कोई एक्सिस नहीं है, ओनली अदर साइड हमारे पास एक्सिस है। हमें पता है ये और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके तो हमने ये जो वाई एक्सिस है ये इस साइड पे ड्रा किया। तो बेटा अगर आप देखें B टू C हमारे पास क्या है y एक्सिस पे आ रहा है, मैं लिख सकता हूँ बी सी ओवर। अब x एक्सिस पे क्या है फार्मूला है ना y एक्सिस ओवर x एक्सिस, तो x एक्सिस पे क्या है A टू C। बेटा फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करते हुए ट्राइंगल को माइंड में रखना है। ट्राइंगल हमने प्रूव भी की पीछे इक्वेशन में कि ये हाफ जो है ये भी हमारे पास फार्मूला होता है, ये कैसी आई हाफ इंटू बेस क्रॉस हाइट। या जब किसी रेक्टेंगल किसी बड़ी चीज़ को कट करते हैं तो चेंज इंटू दो पीसी, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एप्पल है, अगर आप दो लोग हैं तो आप इसको सेंटर से कट करते हैं तो बेटा इट चेंज इंटू टू पीसीज, हाफ एक के पास हाफ हाफ मिस्टर बिलाल के पास हाफ मिस्टर जो है वली साहब के पास। इन जनरल इनको हम डिस्कस कर रहे हैं तो इधर भी हम वही काम कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। तो देखें जी बी सी ओवर ए सी वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस आ गया। तो इनको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं बी टू सी देखते हैं। अब देखें बी टू सी मैंने आपको पहले भी बताया था बी सी एक टोटल लेंथ हमारे पास मौजूद है बी डी। टोटल लेंथ क्या मौजूद है बी डी। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक फ्यूल टैंक है, ठीक है जी, इसको नाम दे दें बी का, इसको नाम दे दें डी का। बेटा अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली है। अब मैं कहता हूँ उसमें से हाफ जो है ना इस फ्यूल टैंक में से हाफ फ्यूल निकाल, आप कहते हैं जी सी तक हमने निकाल दिया। तो हम इसको जब मैं कहूंगा मुझे टोटल वैल्यू बताओ तो हमेशा आप लिखेंगे कि आपके पास क्या है बी डी टोटल माइनस कितनी निकाली सी से डी सी। ओके तो ये हमारे पास जो है ये किसकी वैल्यू आ गई बी सी। बी सी ऐसे निकलेगा क्योंकि टोटल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल बड़ी चीज़ में से छोटी चीज ही हमने चीज़ क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस। जैसे बेटा आपके मैट्रिक के नंबर हैं अगर आप देखें तो हमारे पास कितने होते हैं 1100, तो हम कहते हैं जी आपके कितने आ गए आपके आ गए 950 आ तो आप लिखते हैं 1100। तो हम अगर इनको इनकी एवरेज निकालें तो टोटल माइनस जो है ऑब्टेन मार्क्स आएंगे। तो हमने ये कह दिया इधर भी बेटा बी से डी टोटल लेंथ माइनस हाफ है बी डी माइनस सी डी। इस पॉइंट की समझ आ गई तो बेटा इधर मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस सी डी ओवर ए टू सी। बेटा ए टू सी भी टाइम है ओ से डी भी टाइम है ए टू सी भी टाइम है। अब देखिए अब हम जब टोटल की बात करेंगे
अब ये हमारे पास टोटल है, सम है इसका रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का, ए टू सी भी बेटा टाइम है, ओ से डी भी हमारे पास क्या है टाइम है, तो मैं इधर ओ डी लिख दूंगा टोटल। अब क्योंकि हम टोटल को भी देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जस्ट ट्राइंगल का जिक्र किया, अब रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों का क्या है, दोनों की जो बेस है, दोनों की जो विथ है वो हमारे पास सेम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ओ डी बाय पुटिंग दी वैल्यू। अब बी से डी देखते हैं क्या है, बड़ा ईजी स्टेप है, बड़ा इजी स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बी से डी क्या होता है वो देखते हैं। बेटा मैंने आपको इसमें यही बताया बी से डी टोटल, तो इधर ये बी से डी हमारे पास क्या है टोटल है, तो बेटा बी से डी अगर इधर वी एफ है तो ये टोटल क्या कैलकुलेट होगा वी एफ, सी भी क्या है वी आई है, तो सी से डी हमारे पास बेटा क्या होगा वी एफ। ये बात ध्यान में रखनी है कि टोटल टोटल माइनस इनिशियल कर रहे हैं हम, टोटल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा हम देखते हैं, उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए जो टोटल वैल्यू है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बी डी पे। अब देखें बी से डी टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, तो हमारे पास या इसको ही देख लें, इस पे हमने वी एफ लिखा, सी पे वी आई लिखा, तो B से जो D है ये टोटल क्या हो गया वी एफ, सी से D C पे वी आई है तो ये टोटल क्या हो गया वी आई। तो इन जनरल जब मैं इसको प्रूफ करता हूँ तो B से D टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बेटा हमारे पास कितनी है, टोटल लेंथ बेटा हमारे पास है फाइनल वी एफ इधर से B से D तक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी एफ। C से D बेटा अगर आप ऑब्जर्व करें C पे वी आई है तो C से D क्या हो गया O से D बेटा हमारे पास क्या है O से D हमारे पास टाइम है, तो मैं इन जनरल इसको टाइम लिखता हूँ। ये हमने बी सी ओवर ए सी इज इक्वल टू लिखा था A। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉजिक फिनोमेना भी बताया कि मैथ्स का एक प्रिंसिपल रूल है कि जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो इज इक्वल टू कुछ हेड पे जाके क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो बेटा इन जनरल जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास देखें, अब टी डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं इसको फॉरवर्ड करके लिख रहा हूँ A क्रॉस T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी एफ। देखिए ये जो T था डिवाइड हो रहा है इधर आके बेटा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा इन जनरल हमारे पास क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है इसकी आगे फर्दर प्रोसीड, हमने जो प्रूफ करना है प्रूफ हमारे पास जो है वो ये होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो इसके लिए बेटा अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक ऐसी चीज मौजूद है वो वी आई है जो वी एफ को डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है, तो उसके लिए बेटा हम ये सब्ट्रैक्ट का वी आई है, ये भी मैथ्स का प्रिंसिपल है कि एक चीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो इज इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाती है हमारे पास ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाती है। तो बेटा उसके लिए देखें जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ए टी माइनस वी आई इज इक्वल टू की साइड पे आके प्लस वी आई इज इक्वल टू वी आई। अगर अरेंजमेंट एक तरतीब से लिखूं एक पैटर्न से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो ये बेटा हमारे पास हमने यही प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास क्या होगी प्रूव्ड। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा इसको मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इन जनरल हमने एक ग्राफ ड्रा किया, ग्राफिकल एनालिसिस स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वी और टाइम टी के दरमियान, जीरो से पॉइंट शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वे टुवर्ड द फाइनल वेलोसिटी वी एफ, सो चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन, टी इज द टाइम टेकन डिस्टेंस जो उसने जितना टाइम में डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा हमने जस्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल की बात की, स्लोप स्लोप ए बी, ए से बी स्लोप है, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन। तो बेटा अब मैंने भी यही किया ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, अब ए बी की जो वैल्यू है स्लोप का जो फार्मूला है वो भी हमारे पास इन जनरल हमें पता है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की डिवीजन होती है, तो मैंने क्या लिखा आपको बताया अभी वाई एक्सिस BC divided by x-axis AC। अब देखिए B to C एक पूरी लेंथ से जब B to C फाइंड करनी है, तो
तो हमें पहले पूरी का मालूम होना चाहिए, उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे बी टू डी पूरी है माइनस सी टू डी जितनी चाहिए, ओके, डिवाइड कर दिया टोटल उसका जो एरिया था आता था रेक्टेंगल और ट्राइंगल का टोटल जो है टाइम टेकन है ओ डी। बाय पुटिंग दी वैल्यूज बी पे वी एफ है तो ये टोटल डी तक एक लेंथ जो आ जाएगी वो क्या होगी वी एफ, और सी पे देखें वी आई है तो वी एफ माइनस वी आई। मैंने इधर भी आपको बताया जैसे यहाँ से बी टू डी वी एफ है, सी सी पे वी आई है, तो यहाँ सी से डी क्या आ गया वी आई आ गया, ओके। तो इन जनरल बेटा हमारे पास वी एफ माइनस वी आई, ओ से डी हमारे पास हमें पता है ये क्या है टाइम, ये भी मैंने लिखा ये क्या है टाइम। तो बेटा बाय रीअरेंजिंग टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। अब माइनस का वी आई है, इधर हमने क्या कर दिया लाके प्लस, मैथ्स का प्रिंसिपल है कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो इज इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाती है एडिशन हो जाती है। तो इन जनरल बेटा हमारे पास ये इक्वेशन प्रूफ होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डी, सो प्रूफ हो गया दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, हम साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखना है कि ये जो वायरस फैला हुआ है इसका थोड़ा सा एहतियात करना है। इसके लिए बेटा जब तक आप इसे बाहर खुद नहीं लेने जाएंगे अपने घर से तब तक ये आपके घर नहीं आएगा। सो स्टे एट होम, कीप काम, बी गुड, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, हैव अ गुड डे, लव यू।